नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ नीरज मच्छर, न्यूज ऑफ कच्छ में आपनु स्वागत छे। आजे 22 ऑगस्ट जोईए आजना समाचार। 27 ऑगस्ट भारत में कोरोना 9531 नवा केस अने 36 दर्दीना मृत्यु थया छे। गुजरात नी बात करिए तो गुजरात में छेला 24 कलाक में आजे कोरोना नवा 169 पॉजिटिव केस नोंधाया छे। ए रीते गुजरात में कोरोना केस में सारो एवो घटाड़ो जोवा मळी रह्यो छे। अने आजे वधु 327 दर्दीओ स्वस्थ थया छे। अत्यार सुधी में कुल 12,54,821 दर्दीओए कोरोना ने हरावे छे। आजे राज्य में कोरोना थी एक पण दर्दीनो मृत्यु थयुं नथी। राज्य में कुल मृत्युआंक अत्यार सुधी 10,999 रह्यो छे। आजे राज्य में वधु 257,368 लोकोनुं रसीकरण करायुं छे। आ साथे राज्य में अत्यार सुधी में कुल 12,10,79,497 लोकोनुं रसीकरण संपन्न थयुं छे। राज्य में हाल 2,129 एक्टिव केस छे, जेमांथी 19 दर्दी वेंटिलेटर उपर छे, ज्यारे 2,110 दर्दीओ स्टेबल छे। राज्य में आजे कोरोना नोंधाया नवा 169 केस में अमदावाद कॉर्पोरेशन 45, वडोदरा कॉर्पोरेशन 26, राजकोट कॉर्पोरेशन 18 केस, सूरत कॉर्पोरेशन 12 केस तथा अन्य जिला में केस नोंधाया छे। कच्छनी वात करी तो कच्छ में आजे 2 नवा केस नोंधाया छे। चार पांच दिवस थी खूब ज तव छे, माथू शरीर ना सांधा अने आंखों नी पाछळ दुखावो पण થઈ રહ્યો છે। શરીર પર લાલ ચકામા પણ છે, આ ડેન્ગુ ના લક્ષણ છે। ડેન્ગુ? ગભરાઓ નહીં, ડેન્ગુ એક સામાન્ય વાયરલ તાવ છે। યોગ્ય ઈલાજ અને પ્રવાહી પદાર્થ લેવાથી તે ઘરે જ ઠીક થઈ જાય છે। બહુ ઓછી બાબતોમાં તાવ ઉતર્યા પછી પણ લોહીનો સ્ત્રાવ અથવા બીપી ઓછું થવા પર હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની જરૂર પડે છે। ડેન્ગુના લક્ષણ દેખાતા ડોક્ટરથી મળો, લોહીની તપાસ કરાવો અને ડેન્ગુથી બચો। દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ઓફ કચ્છના સમાચાર ઘરે બેઠા ઉષા કેબલના સત્વારે ચેનલ નંબર 17 ઉપરથી રાત્રે 9:30 થી 10 વાગ્યા દરમિયાન જોઈ શકાશે।